जी मेरा मकान जी कब्जा कर रहे हैं, एक मकान उन्होंने किराए पर चढ़ा दिया जबरदस्ती, मुझे मार तोड़। मुझे आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, पहचान पत्र की कोई वैल्यू नहीं है, तो किस चीज़ की वैल्यू है, कहाँ की सरकार रही है। जी मैं नीचे रह रही रोड के ऊपर जी, कहाँ मेरा ना मेरा बेटा है ना मेरा कोई है, मैं कहाँ जाऊँगी सर, मैं बहुत परेशान हूँ जी, कि बस मुझे मेरा हक दिला दो। घर जो कि कहीं सी बुनियादों, खुशियों और उम्मीदों से बनता है, अगर उसी घर पे कब्जा कर लिया जाता तो परिवार को कितना ही बुरा लगेगा। ऐसे एक मामला दिल्ली के बलजीत नगर इलाके में आया है, जहां पर एक बुजुर्ग विधवा महिला जिसके साथ मारपीट कर हाथ तोड़ उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनके घर पर कब्जा कर लिया जाता है। अभी हमारे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। राम राम माता जी। जी माता जी आपका नाम? जी कांता। माता जी क्या हुआ आपके साथ? जी मेरा मकान जी कब्जा कर रहे हैं, एक मकान उन्होंने किराए पर चढ़ा दिया जबरदस्ती, मुझे मार तोड़। मैं कोई नहीं बोलता यहाँ गली के अंदर जी, धमकी दे के जाते हैं और मुझे मार धाड़ने की। बेटे बहू उनके आते हैं पल्ली तरफ से, बेटे उनके छः लड़के हैं और दो बहुएँ आती हैं लड़ने के लिए जी। मेरे साथ बदतमीजी करता हूँ मुकेश और जी राकेश, उनकी बहुएँ हैं, मेरे से हाथापाई करती हैं, मेरे ये हाथ तोड़ दिए जी उन्होंने, ये दोनों हाथ तोड़ दिए जी। इस मामले की जो सूचना आपने पुलिस को दी? जी मैंने पुलिस को दी। पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई करी? एप्लीकेशन भी दिए मैंने, मेरी कोई कार्रवाई नहीं सुनते जी, वो पैसा खा लेते हैं मेरी, मेरे से कहते हैं कि ला 10 लाख रुपए दे दें तेरी भी कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस वालों ने आपसे पैसे मांगे हैं ताकि आपकी कार्रवाई आगे बढ़ पाए? जी हाँ जी हाँ, कोई नहीं सुनाई करता जी, जो नीचे पुलिस वाले मुझे को अंदर तक नहीं जाने देते ऐसे। तो आपका जो घर है उस पर कब्जा कर लिया गया, तो अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं? जी मैं नीचे रह रही रोड के ऊपर जी, कहाँ मेरा ना मेरा बेटा है ना मेरा कोई है, मैं कहाँ जाऊँगी सर, मैं बहुत परेशान हूँ जी, कि बस मुझे मेरा हक दिला दो। मैं ये चाहती हूँ कि जी मुझे मारने की धमकी, आज सड़क पर जाते कहते सड़क पर ना निकलियो, तेरे को जान से खत्म। आपको जान का खतरा भी दिया है, धमकियाँ भी दी? मेरे बच्चों को भी जान की धमकी दी है और मुझे भी कि रोड पर ना निकल जाइए, इस घर में ना घुस जाइए, मैं कहाँ जाऊँ, किसका सहारा लूँ मैं किसके पास हूँ, किसके दरवाजे, कानून नहीं सुनता मेरी, कहते कोर्ट के लगाने के जी, मेरे पास पैसा नहीं है, कहाँ से लगाऊंगी मैं कोर्ट, खाने के लिए ला लेता है नहीं, काम धंधा मैं नहीं करती, तो जी बस गुजारा मेरा ऐसा ही हो रहा। आपके परिवार में कितने लोग हैं? जी पर मेरे पास 2 बेटी हैं। और आपके परिवार को भी धमकी दी गई है? जी हाँ जी, मेरे परिवार को धमकी दे, मेरी बेटियों को धमकी देते हैं जी। मेरे दामाद है, मजदूरी करते हैं, काम आता तो कर लेते हैं, नहीं आता तो बैठे हैं, वो भी बेचारे मेरा पेट कहाँ तक भरेंगे, मैं किसके ऊपर बोझ बनूंगी। कहीं मैं लड़ाई के पीछे मैं के चली जाती हूँ, कहीं भाई भतीजों के पास, कहीं बहन के पास चली जाती हूँ कि चलो मेरे को कहीं तो सहारा मिलेगा, वो 10-20 रुपये दे देते हैं बस, ये जी मेरी गुंजाइश, मुझे मेरा हक दिला दो। अभी हमारे साथ उन माता जी की बेटी भी मौजूद है, चलिए उनसे भी जानते हैं उनको क्या धमकी दी गई, उनको क्या बात बोली जाती है। जी नमस्कार। नमस्ते जी, आपको भी धमकी मिलती है? हाँ जी सर, यूँ कहते हैं कि हम घुसने नहीं दूंगा। आपके साथ भी मारपीट करी गई थी? मारपीट पहले करी थी, अब नहीं हुई। तो ऐसे ही इन्होंने घर कब्जा करने की ये जो कोशिश करी है और कब्जा करके बैठ गए हैं, ऐसा ही इन्होंने प्रयास पहले भी करा था? हाँ जी पहले भी करा था कि मैं घुसने नहीं दूंगा, कहने को मैं शुरू से यहीं रहती हूँ और फिर भी यही बोला गया था कि किराए पे रहती हूँ, मैं किराए पे नहीं रहती, मैं यहीं रहती हूँ। क्या इनके पास कोई कागजात है इस ज़मीन के? नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहते हम के हमारे सासुर, हम 2-3 जने थे जी, उनके पास कुछ भी ना, आधार कार्ड वोट आईड कुछ भी नहीं है जी, सारे बिजली का बिल मेरे पास है, मेरे बच्चों की आईडी मेरे पास है, और कहते इस खानदान में कहते कोई आईडी की कोई मान्यता नहीं है, ये कहते हैं जी कोई भी कार्रवाई इसकी, तुम्हारे कागजों कोई भी नहीं, जी आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, पहचान पत्र की कोई वैल्यू नहीं है, तो किस चीज़ की वैल्यू है, कहाँ की सरकार रही है? 3-4 शादी कर रखी है, पता नहीं कौन सी 3-4 शादी कर रखी है, ये नहीं पता। अब आप हमारे साथ देख सकते हैं कैसे एक बुजुर्ग महिला पर दबाव बनाया जाता है, मारपीट करी जाती है और कैसे उनका घर कब्जा कर लिया जाता है। अब इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, पीड़ित पात्री का यही कहना है कि पुलिस इनकी कुछ नहीं सुन रही, पुलिस बस उनको डरा धमका के भेज रही है और पैसे मांग रही है। मेरे साथ कैमरामैन अविनेश राणा के साथ मैं लक्ष्य बख्शी तेजतर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेजतर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।